नमस्कार, मैं आपके साथ ओमी सैनी। आप देख रहे हैं AN247 न्यूज राजस्थान। चलिए चलते हैं खबर की ओर। गुजरात से गुजरा बिपरजॉय, दो की मौत, 22 घायल। अहमदाबाद में तेज बारिश जारी, तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ा, 5 जिलों में रेड अलर्ट। बिपरजॉय तूफान के जयपुर तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ। इसका असर कच्छ सौराष्ट्र के 8 जिलों में रहा, यह अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए। तूफान के कारण भावनगर में 2 लोगों की मौत हुई व 22 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। गुजरात में चक्रवात का असर अभी भी बना हुआ है। कच्छ में मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जखोम, बंदर, मुद्रा और गांधीधाम, अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही है। 90 से 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। पूरे मांडवी में 18 घंटे बिजली नहीं है, इससे लोग परेशान हैं। पिछले 24 घंटों में कच्छ में से 2 से 7 इंच बारिश हुई है। गुरुवार शाम 6:30 बजे जयपुर तट से टकराया था तूफान। लैंडफॉल आधी रात तक चला। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 115 से 125 किमी प्रति घंटे रही। इससे पहले कच्छ, द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मौरवी समेत तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। अब यह उत्तर दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। अब आगे क्या? राजस्थान की तरफ बढ़ रहा तूफान, 5 जिलों में रेड अलर्ट। गुजरात से गुजरने के बाद यह राजस्थान में एक डिप्रेशन वाले मौसमी सिस्टम की तरह प्रवेश करेगा। इस दौरान कई इलाकों में 10 से 20 सेमी तक बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के साथ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश होगी। ऐसा अनुमान है कि शुक्रवार दोपहर तक तूफान कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि शनिवार को इसका असर राजस्थान में देखा जा सकता है। रविवार को पूर्वी राजस्थान, उससे सटे हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।